अभी आईपीएल की दो टीमें, नई फ्रेंचाइज टीमें जो है वो ऑक्शन हुई है ओवर $1 बिलियन और 1.6 बिलियन डॉलर्स, 1.6 अरब डॉलर की दो टीमें जो है वो, यानी कि टीमों के नाम दिए गए हैं, इसमें ना प्लेयर्स हैं ना कुछ है, सिर्फ दो टीमें, दो फ्रेंचाइज जी तो वो दिए गए हैं। और ये पहली दफा है कि आप देख रहे हैं कि एक्विटी कैपिटल। तो कल जो इंडिया और अफगानिस्तान का मैच खत्म हुआ, आपको पता है कि भारत को ये, मतलब पाकिस्तान की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि ये मैच फिक्स था, अफगानिस्तान उस इंटेंसिटी से नहीं खेला, मतलब ये बेवकूफ़ लोग हैं, ये किसी भी हाल में भारत को हारना देखना चाह रहे थे। और अफगानिस्तान और पाकिस्तान का मैच होता तो आपको पता है कि उनके जो दर्शक आते हैं वो तक बहुत बुरी तरीके से लड़ते हैं, भारत के साथ ऐसा कुछ माहौल नहीं रहता वहाँ की, आपको पता है उनके साथ क्या उनके मतलब रिश्ते हैं, वो सब मैं डिटेल में इस वीडियो में तो बताने वाला हूँ नहीं। लेकिन इस वीडियो का मेन पॉइंट था कि आईपीएल को फिर से टारगेट किया गया, और इस बार आईपीएल को टारगेट किया गया है, मतलब वसीम अकरम, वकार, वहा, मिसवा, इन सब के द्वारा किया गया है। तो आप आगे देखेंगे किस तरीके से आईपीएल को लेकर बातें की जा रही हैं, और पाकिस्तान की तरफ से ये बातें होंगी। आप ये मत सोचे कि पाकिस्तान ये बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपको भी पता है आईपीएल में एक तो पाकिस्तानी अलाउड नहीं है, और भारत पाकिस्तान क्रिकेट बंद है, तो उनके अंदर ये बातें आएंगी। तो चलिए पहले पूरा वीडियो देखते हैं, फिर वीडियो के अंतिम भाग में और भी करते हैं कुछ। लोग बार बार उंगलियां उठा रहे हैं, और वो उठा रहे हैं बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया की इन्फ्लुएंस ओवर दी अदर क्रिकेटिंग बॉडीज एंड ओवर ICC। बट उससे भी ज़्यादा आई थिंक एक पॉइंट ऑफ कंसर्न जो हम सब के लिए गुफ्तगू करने का, आई थिंक उसके ऊपर एक छोटी सी ब्रीफ कॉन्वर्सेशन होनी चाहिए वसीम, वो है अभी आईपीएल की दो टीमें, नई फ्रेंचाइज टीमें जो है वो ऑक्शन हुई हैं ओवर $1 बिलियन और 1.6 बिलियन डॉलर्स, 1.6 अरब डॉलर की दो टीमें जो हैं वो, यानी कि टीमों के नाम दिए गए हैं, इसमें ना प्लेयर्स हैं ना कुछ है, सिर्फ दो टीमें, दो फ्रेंचाइज जी तो वो दिए गए हैं। और ये पहली दफा है कि आप देख रहे हैं कि एक्विटी कैपिटल इन्वेस्टमेंट कंपनीज जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रही है। दीज आर नॉट लाइक यू नो कि मैं खरीदना चाह रहा हूँ या वो, दीज आर लाइक स्ट्रक्चर्ड वो। और जब भी कहीं पे भी जब ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट कंपनीज आ जाती हैं तो वो चाहती हैं प्रॉफिट, कोई भी लॉस मेकिंग जब कैप, बिकॉज द नेचर ऑफ द कैपिटल इन्वेस्टमेंट बिजनेस, द एक्विटी बिजनेस इज सच कि वो चाहते हैं कि उनको प्रॉफिटेबिलिटी मिले। अगर वो प्रॉफिटेबिलिटी नहीं देखते तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं करते, एंड देयर नॉट, उन्होंने ये खरीदी है एज एन इन्वेस्टमेंट कि इस इन्वेस्टमेंट से हमारे इन्वेस्टर्स के पैसे जो हमारे थ्रू लग रहे हैं उनको रिटर्न मिले। देखो, बिजनेस से शायद रिटर्न मिले ना मिले, बट विनिंग अ टीम इन आईपीएल, इट मींस के विद इन 5 years दैट टीम वॉट $960 मिलियन की, इट बी $1.5 बिलियन लाइक द अदर टीम। हाउ? बिकॉज यू बेंच योर प्राइस मार्क। लेकिन PSL का एग्जाम्पल देता हूँ, जो लास्ट टीम आपकी बिकी है वो मुल्तान सुल्तान, 6.3 मिलियन, ठीक है। अब बाकी टीमों की प्राइस तो वो आ गई ना, जिन्होंने कराची किंग्स 2.5 या 3 मिलियन की थी, द चीपेस्ट इज कोटा ग्लैडिएटर्स $1 मिलियन। सो वो टीमें जब बिकेंगी अब, सो वो 6.3 से ऊपर ही बिकेंगी, ऊपर का बेंचमार्क होगा। सो आप ये कह रहे हैं कि कैपिटल गेन्स होंगे, आपने अगर आज $1 बिलियन की टीम खरीदी है तो उस पर कैपिटल गेन्स होंगे, विच ऑल्सो देन हैज टू रिफ्लेक्ट ऑन टू द इकोसिस्टम, बिकॉज द एंटायर इकोसिस्टम शुड बी एबल टू मेक मनी, एंड इफ द एंटायर इकोसिस्टम इज नॉट मेकिंग मनी, इट बिकम्स अ ब्रांड, राइट? बट ब्रांड इक्विटी कम्स आउट फ्रॉम अ मल्टीप्लायर ऑन द वैल्यूएशन दैट कम्स थ्रू रेवेन्यू। इफ देयर इज नो रेवेन्यू देयर विल बी वो, सो रेवेन्यू हैज टू जस्टिफाई द इन्वेस्टमेंट टू स्टार्ट विद, एंड ओनली देन विल कैपिटल गेन्स विल कम इनटू प्ले, व्हिच देन टेक्स मी टू अनदर क्वेश्चन। लेट मी ब्रिंग दिस क्वेश्चन अप, थोड़ा सादे लफ्जों में अगर समझाएंगे इसको, मैं ये बता रहा हूँ, जब आप इतने पैसे एक जगह पे लगा रहे हैं और उसकी आपको इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिटर्न चाहिए, और चूंकि इन्वेस्टर्स का पैसा लगा रहे हैं, चूंकि कैपिटल इन्वेस्टमेंट कंपनियां हैं वो पैसा लगा रही हैं, तो उनको अपने इन्वेस्टर्स को जस्टिफाई करना होता है कि हमने ये लगाए हैं, हमें ये मिलेंगे, हर साल ये रिटर्न आ रही है, नेट रिटर्न इसके ऊपर ये आ रही है, विच मीन्स के फिर क्या ये चीज़ें, जिस तरह हम बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं कि उनकी इन्फ्लुएंस बढ़ती जा रही है पैसों की वजह से दूसरे बोर्ड्स के ऊपर और ICC के ऊपर, ये आज माइकल आर्थरटन का एक आर्टिकल है जो कि सर्कुलेट हो रहा है, हर कोई पढ़ रहा है, उसमें वो कह रहा है कि फिर आहिस्ता आहिस्ता ये जो हो रहा है बड़ी अच्छी बात है, क्रिकेटर्स के लिए बड़ी अच्छी बात है, उनको पैसे मिलेंगे, मगर इंटरनेशनल कैलेंडर इफेक्ट होगा, दो नई टीमें आ गई हैं, आईपीएल को लंबा करना पड़ेगा, आईपीएल को लंबा करने के लिए इंडियन क्रिकेट बोर्ड बोलेगा ICC को कि जनाब जरा थोड़ी सी डेटें और खोले हमारे लिए ताकि इंटरनेशनल क्रिकेटर्स हमारे लिए अवेलेबल हो, जब इंटरनेशनल क्रिकेटर्स अवेलेबल हो तो यानी कि आप अपनी बायलेटरल सीरीज रोकें, आप अपना चीज को रोकें, हम जरा आईपीएल कर रहे हैं, साथ साथ में फिर ये होगा कि रिटर्न्स के लिए कहेंगे कि यार पता है क्या करें, जरा बाउंड्री छोटी करें ताकि ज्यादा छक्के लगें, लोग ज्यादा देखें, एंड सो फोर्थ एंड सो ऑन एंड सो ऑन। फखर, ऑलरेडी यू नो टीमें सफ़र कर रही हैं, बायलैटरल सीरीज अब सफ़र हो रही हैं,
मुझे सिर्फ ये डर है कि ये आपके जो मेजर टूर्नामेंट्स हैं आईसीसी के मेजर, तो ये ना सफर होना शुरू हो जाए। अब हम किसी भी मुल्क में जाते हैं तो दो टेस्ट मैच बहुत ही होगा, तो तीन टेस्ट मैच के सिर्फ एक प्रोबेबली एशेज ऐसी है, या इंडिया जब चाहती है वो पांच टेस्ट मैच खेलती है। बाकी तो कोई भी टीम ऐसी दुनिया की नहीं है जो आपस में इतना खेलती है। जब आप लोग साउथ अफ्रीका थे, जब आपकी सीरीज थी उनके वाइट बॉल सीरीज, या तो उनके एक थ्री क्वार्टर्स प्लेयर अलाउड टू गो टू आईपीएल। उसकी वजह ये है वसीम भाई कि जब भी आईपीएल होती है, जो भी लड़के सिलेक्ट होते हैं, जिस भी बोर्ड से सिलेक्ट होते हैं, बोर्ड को पे करता है आईपीएल के, आईपीएल पे इज द क्रिकेट बोर्ड, पैसे आ गए, ठीक है, यही तो दूसरा। हाँ जी एग्जैक्टली, तो हमारी सीरीज में भी जो थे वो प्लेयर्स आ गए साउथ अफ्रीका के प्लेयर्स छोड़ के, क्योंकि बोर्ड को पैसे मिल रहे थे, उन्होंने प्लेयर्स को अलाउ किया। लेकिन ये बोर्ड का कसूर है, नॉट द प्लेयर्स। अगर मैं एक्चुअली इसमें कसूरवार वहाब, आई थिंक यू नॉट गेटिंग इट, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कि कसूर नो, मैं आप रेवेन्यू की बात करें ना, आपको पता है कि स्टार जो आईपीएल का एक मैच है वो कितने करोड़ का वो होता है मैच, एक जो टीवी पे आता है। या वी नो द राइट्स, बट हियर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, द राइट्स फॉर स्टार, फर्स्ट टाइम जब राइट्स बिके आईपीएल के, सोनी ने खरीदे फॉर 10 इयर्स $1.1 बिलियन। And then after that, Star got those rights for 5 years, $2.5 billion. Star ko IPL ka ek over, $1,43,000 ka padta IPL mein. Right. One over. And they have to make money on top of that. This is just cricket rights. This is cricket rights. And I want to bring in something very interesting, that the television industry, the broadcasters that practice the art of broadcasting are now saying that the IPL rights, television rights business has peaked. मीनिंग के वो अपनी पीक पे उरूज पे पहुंच चुका है, सो नाउ वी नीड टू गेट न्यू रेवेन्यू रिसोर्सेज। व्हाट डज दैट मीन? दैट बेसिकली मीन्स दैट देन ऑन द होराइजन आर थिंग्स दैट विल बी चेंज्ड, दैट विल फर्दर इफेक्ट इंटरनेशनल क्रिकेट। मेरा कहने का मकसद ये है कि ये जो इकोसिस्टम बनता जा रहा है, इंडियन प्रीमियर लीग से शुरू होता है और इंडियन क्रिकेट बोर्ड के साथ शुरू होता है, वो बैन अल-अक़वामी क्रिकेट के ऊपर अपना टॉल, जिस तरह आपने कहा कि ये बड़े तोस्ते लेना अब शुरू हो जाएगा। आपको एक और चीज़ बता दूं कि पीएसएल के इस वक्त तारीखें जो हैं वो फंसी हुई हैं। 10 नवंबर तक ड्राफ्ट हो जाता था पीएसएल का, अभी तक हमें पीसीबी से कोई क्लैरिटी नहीं आई है। दूसरी तरफ एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड अपनी लीग शुरू करना चाहते हैं। इट्स बिट पॉलिटिकल नाउ हियर, इट इज, देयर यू गो, आई वी लेट देम, हमने उनको ये करने दिया है। I am all for international cricket to coming to Pakistan. We all are. Yeah. But not at the expense of your own brand. Yeah. You see, IPL ki date change nahi hoti unless there is some covert or some elections. Humne kyun date change ki? Because agar end January mein shuru karna hai, mid Feb mein shuru hota tha na pehle, to sabko pata tha foreign players ka calendar hai. Ek to end Jan mein karenge, aapka big bash se conflict ho raha hai. फिर उसके दरमियान जनवरी में वो एमिरेट्स लीग करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि ओनर्स हमारे हमसाए मुल्क से हैं एंड वेल ऑफ पीपल। इफ दे गोना ऑफर मनी $300,000 टू से वहाब रियाज फॉर आर्गुमेंट सेक, वेयर वुड ही पे गो? प्रेफर गोइंग देयर, सिंपल, गोइंग देयर, नॉट जस्ट वहाब, आई एम टॉकिंग अबाउट फॉरेन प्लेयर्स। सबसे जो ज्यादा मुझे डर और तकलीफ होगी ना, कि अगर टेस्ट क्रिकेट सफर होगी, जो कि इस साल देखा कि सफर हुई, इंडिया ने अपना आखिरी टेस्ट में छोड़ दिया जस्ट प्योरली, आई मीन रीजंस तो 100 दिए जा सकते हैं कि जी कोविड और ये हुआ, बट प्योरली ऑन के जी उनका आईपीएल शुरू होने वाला था एंड दे लेट गो द टेस्ट मैच क्रिकेट, दिस इज वेयर द क्रिकेट स्टार्टेड फ्रॉम एंड वी ऑल लव दैट गेम। नाउ दे सेड दे प्रोबब्ली प्लेड अगेन और समथिंग दैट वन, आई मीन अगेन हु नोस द खेल इज अ डिफरेंट थिंग, बट व्हाट टेक ऑन इन दिस, द इशू इज के आईपीएल इज द ओनली लीग जिसमें ऑक्शंस है। Yeah. And that's why it's the biggest league. अगर आप दुनिया की बाकी सारी लीग को देख लें, बिग बैश को देख लें, हमारा पी एस एल ब्रांड देख लें, एल पी एल देख लें, टी टेन देख लें, वॉट एवर लीग यू से आफ्टर आई पी एल, दे आर ड्राफ्टेड, राइट? सो वेन इट कम्स टू एन ऑक्शन, राइट, ऑक्शन में ये होता है कि यू नो यू हैव अ बेस प्राइस, और अगर 6 टीमों में से किसी को प्लेयर चाहिए और यू स्टक ऑन इट, सो द प्राइस गो हाई। That's why it makes so different to everyone. And everybody wants to be a part of it. But they also have the money for that particular... Exactly. They have the sponsorship. They have everything. And hence comes the question that this needs to be regulated. How can they regulate? That's a big question, boss. Either the ICC or somebody, the authority, the body... What's Mispa's take? Mispa, what is your take? Look, in actual, the whole thing is happening, it's happening that... What is the priority? Obviously,
वैसे इम्पोर्टेंट हैं प्लेयर्स के लिए, गेम के लिए भी, फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर और गेम को आगे चलाने के लिए भी, बट प्रायोरिटी क्या है? इंटरनेशनल क्रिकेट बिल्कुल सफ़र हो रही है और इस टाइम प्रायोरिटी जो सारे क्रिकेट बोर्ड्स की है, इंडियन क्रिकेट बोर्ड की है, क्रिकेटर्स की है, सारे पैसे की तरफ है। कहीं ना कहीं जो ये गेम है उसको आप पीछे कर रहे हैं। टेस्ट मैच कम कर दो, T20 बढ़ा दो, पैसा। ठीक है जी, वनडे कम कर दो, T20 बढ़ा दो, पैसा। तो बेसिकली हो क्या रहा है? अच्छा जी, इंटरनेशनल क्रिकेट कम कर दो। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म। आपने देखा वसीम अकरम, वकार, मिश्वा और वहाब। मैं वहाब को छोड़कर बाकी तीनों लोग IPL में कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट रहे। मिसबा साहिब दिल्ली डेयरडेविल से खेले हैं, वसीम कोच के कोच और कमेंटेटर के रूप में काम किया है और वकार ने भी कोच और कमेंटेटर के रूप में काम किया है। आप अगर चेक कर सकते हैं जाकर। तो दोस्तों जो IPL को लेकर बातें हो रही हैं, एक बात तो सच है कि पाकिस्तानी IPL को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं और IPL की मुझे लगता है कुछ दिन में इतनी ज़्यादा ब्रांड वैल्यू हो जाएगी कि वो पाकिस्तान के किसी न किसी बजट से आगे निकल जाएगी और ऐसा ही कुछ होने वाला है। अब देख सकते हो आप इनकी बात है फ्रस्ट्रेशन कि IPL को लेकर सारी इंटरनेशनल क्रिकेट तबाह हो रही है। भैया ऊपर की चार टीम है उनका कुछ अलग लेवल है और उसके बाद की टीमों का अलग लेवल है। पाकिस्तान इस वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा कर रही है, नो डाउट, बहुत ही अच्छा कर रही है, लेकिन पाकिस्तान की परफॉर्मेंस देखें आप बाहर, ऑस्ट्रेलिया में देखें और इंग्लैंड में देखें, इंग्लैंड की अभी वो सी टीम से हारे हैं, वहाँ पर सी टीम से मैचेस हारे हैं। और आप देखें तो ऑस्ट्रेलिया में तो साउथ मतलब पाकिस्तान पिछले 25 साल से एक भी टेस्ट मैच जीता ही नहीं है, यहाँ तक कि ड्रॉ कराने में भी इनको बहुत प्रॉब्लम हुई है। तो आप समझ सकते हो जो ऊपर की टीमें हैं वो कोई अलग दर्जे का क्रिकेट खेलती हैं, नीचे की अलग दर्जे का खेलते हैं। अगर आप फुल टीम विराट कोहली, रोहित शर्मा, KL राहुल, इंडिया की फुल टीम श्रीलंका का टूर करती है तो ऑडियंस में एक पहले से बात आ जाएगी कि यार ये क्या मैच हो रहा है यार, वो तो बिल्कुल ख़त्म टीम है, उसके साथ ये विराट और रोहित शर्मा तो अपने रन बनाने के लिए चले गए। इस तरीके की बातें होती हैं। अगर इंडिया कोई टीम आती है टेस्ट मैचेस में खेलने के लिए, इंडिया कोई भी टीम आती है, कोई भी टीम आती है, तो ये बात होने लगती है कि भाई यहाँ तो मैच है ही नहीं इंडिया में, इंडिया में इंडिया को हराना आपको भी पता है कि बहुत मुश्किल होता है। तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं। तो उसको नज़र रखते हुए, मार्केट को नज़र रखते हुए, अगर अभी आप देखें वेस्ट इंडीज़ श्रीलंका का मैच चल रहा है, उसके मुकाबले में IPL की कोई फ्रेंचाइजी के मैच की ज़्यादा TRP आएगी एज़ कम्पेयर टू इस मैच के, क्योंकि दुनिया की सबसे ज़्यादा ऑडियंस है इंडियन। और अगर वो IPL के मैच में एक प्लेयर श्रीलंका का भी होगा, एक प्लेयर वेस्ट इंडीज़ का भी होगा, तो वहाँ से भी ऑडियंस इन्वॉल्व होगी। तो ये फ्रेंचाइजी क्रिकेट है दुनिया का फ्यूचर, ये बात सच है। हालांकि ये भी बात सच है कि दुनिया की क्रिकेट को भी अच्छे से होना चाहिए क्योंकि यहीं से तो हमें IPL के लिए प्लेयर मिलेंगे। तो पाकिस्तान भाई आप भी ऑस्ट्रेलिया का टूर करो अगर आपको अपनी वैल्यू बढ़ानी, आप भी इंग्लैंड का टूर करो, आप भी न्यूजीलैंड, श्रीलंका, सब कुछ करो, आपके बोर्ड में दम है तो ये सब करें। और IPL में ज्ञान देने से पहले आप अपना PSL बंद करें, आपको अगर इतनी दिक्कत है फ्रेंचाइजी क्रिकेट से। इंडिया के पास अपर हैंड होगा, वो चाहेगा कि IPL दुनिया में सबसे स्ट्रांग बने क्योंकि ये हमारा प्रोडक्ट है। हम चाहेंगे कि IPL से ज़्यादा स्ट्रांग कोई दुनिया में लीग ही ना हो, इवन ICC के टूर्नामेंट की भी वैल्यू IPL से फीकी हो। भले ये बात सच है कि देश के लिए ICC टूर्नामेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको भी पता है कि डिजिटल राइट्स और ये सब तो IPL के ज़्यादा महंगे बिक रहे हैं, तो डेफिनेटली ऑडियंस जो व्यूअर्स हैं वो उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, तो ये सच है। अब पाकिस्तान का तो ये मतलब रिएक्शन आना ही था, जब पाकिस्तानी क्रिकेटर्स इतने साल से IPL में बैन है, कमेंटेटर, कोचेस, किसी को भी काम करने का मौका नहीं मिल रहा है, उसके पीछे का रीज़न आपको भी पता है, इन प्लेयर्स की कोई भी गलती नहीं है उसमें। अब समझ सकते हो आप, मैं वो भी नहीं बताना चाहता। मिसबा अलग दिल्ली का पार्ट रहे और वसीम KKR से कोच रहे और वकार शायद मेरे हिसाब से हैदराबाद की टीम थी, अब जो भी टीम थी तो हैदराबाद की तीन चार टीम आई हैं, सनराइज़र्स हैदराबाद से ही रहे शायद। तो दोस्तों ये वीडियो ख़त्म होता है, आपके क्या रिएक्शन है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और ये रिएक्शन जो पाकिस्तान के लेजेंड्स का आ रहा है ये अफगानिस्तान वाले मैच के बाद से आ रहा है, मतलब ये कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट वो फिक्सिंग वाला लेकर आ रहा है। मुझे कल तक लग रहा था कि ये लोग शायद बोल चुके हैं कि यार ये बकवास सोशल मीडिया की, मतलब डिजिटल मीडिया पर ना करो, प्लेटफॉर्म पर ना करो, तो इन्होंने भी कहीं ना कहीं वो बातें कर दी। दोस्तों वीडियो ख़त्म होता है।